अस्सलाम वालेकुम सबको, आज फिर आपके सामने आ गई हूँ सेकंड व्लॉग के लिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से? और जो है जिन जिन लोगों ने वीडियो को पसंद किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने पसंद किया वो सबको और औरों को भी बताएं, ताकि वीडियो जो है हमारी फेमस हो जाए। चलें, और आज की वीडियो जो है शुरू करने लगी हूँ बच्चों के स्पोर्ट्स डे के लिए, क्योंकि इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है 200 मीटर्स रेस में। तो मैंने सोचा कि इनका घर में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाती रहूं, ताकि ये यूज़ टू हो जाए भागने दौड़ने में। तो चलें बच्चों को देखते क्या करें। मौसम अच्छा है, बादल आज भी आए हुए हैं। ये मेरे बच्चों की जो है फ्रेंड उनको आवाज़ दे रही हैं। चलें तो बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है रहती हैं, इनकी ग्रो के लिए भी और इनके मसल्स के लिए भी। तो हाँ जी, छोटे साहब जो हैं वो भी साथ साथ एक्साइटेड हो रहे हैं वॉक के लिए। अब ये पार्क की तरफ जा रहे हैं शायद बच्चे। जी, ये केले का एक दरख्त कहेंगे या प्लांट कहेंगे, इस पे आपको बनाना सिखाने। अभी बिल्कुल कच्चे हैं। और ये पपायाज लगे हुए हैं, साथ में वो आम का दरख्त है, छोटा सा है लेकिन आम आना शुरू हो गए थे इसमें। कुछ फूलों के साथ इसकी छोटी छोटी वो क्या कहते हैं कैरियाँ बनने लगी हैं। ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें ये कैरियाँ हैं। और ये मोतिया, ये मोतिया की कलियाँ हैं। पहली बार देखा मोतिया यहाँ पे मैंने। और ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, अभी छोटा सा। ए तोड़ो। इसके अलावा आपको ये दिखाना है बैंगन लगा हुआ। ये असल में जो इंडियंस हैं तमिल मलेशिया में, ये उनके शौक़ हैं सारे सब्जियां लगाने के। तो मैं आपको लेके चलती हूँ इससे आगे। काफ़ी अच्छा एरिया हमारा, बस ये है कि निकलने का टाइम कम मिलता है। वीकेंड पे ये बच्चे घर पर होते हैं तो इनको लेके निकली हुई हूँ। तो आ गई हूँ मैं पार्क में, बच्चे पहले से आए हुए हैं। मैं ज़रा स्लो स्लो चल रही थी, बच्चे ज़रा एक्साइटेड होके खुशी खुशी जल्दी जल्दी आ गए थे।